यहाँ से चला रहे हैं इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या लग रहा है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? ये इतना आपने मेहनत किया है और इसका क्या? परमपिता परमात्मा की दृष्टि से ये कार्यक्रम धर्म महासम्मेलन 2 दिवसीय चल रहा है और शारीरिक मानसिक आत्मिक के साथ साथ इस धर्म सम्मेलन द्वारा अपने परिवार के साथ अपने समाज का विकास, इस देश का पूरे ब्रह्मांड का विकास संभव है। और हमें उम्मीद है कि इस धर्म महासम्मेलन द्वारा, साधना पूजा द्वारा, जो मनुष्यों के अंदर अध्यात्म जगेगा, उससे उनका परिवार सुधरेगा, जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। परमपिता बाबा की जय। दादा जी एक चीज और, इस कार्यक्रम में आपको मतलब लगभग 2-3 महीने से आप लगे हुए हैं, तो क्या आपको अब क्या अनुभव हो रहा है, इससे पहले क्या अनुभव हो रहा था? ये अनुभव यही लग रहा है कि जीवन में ये कोई भी बड़ा से बड़ा चैलेंज ले लीजिए, यदि आंतरिक इच्छा है जी करने की, तो उसमें कोई परेशानी आड़े नहीं आएगा और कार्यक्रम सफल। कितने लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं? यहाँ जो है 6-7 हज़ार लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अभी 3-4 हज़ार लोग विदेश से भी कोई लोग आए हैं, विदेश से भी आए हैं। किन किन देशों से? अमेरिका से भी आए हैं, यूरोप से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। अमेरिका से कितने लोग आए हैं? अमेरिका से 7-8 लोग आए होंगे, और दूसरे देश से, और ऑस्ट्रेलिया से भी आए हुए हैं जी। और मतलब विदेश के जो अपने अपने जो संगठन के लोग हैं, वो लोग भी आए हुए हैं जी? संगठन से जुड़े लोग ही आए जी। प्रमुख लोगों का कुछ नाम बताइए, कुछ लोगों का कुछ प्रमुख में समय से प्रमुख लोगों में आचार्य सत्याश्रयानंद अवधूत जो धर्म प्रचार सेक्रेटरी हैं, आचार्य रागानंद अवधूत, आचार्य जगदात्मानंद अवधूत, और हमारे गोरखपुर में जो लोकल में मैं स्वयं भक्ति प्रधान डॉक्टर धनीराम मौर्य, हमारे धर्म प्रचार सेक्रेटरी जो उसके क्या नाम है कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो हैं संजय श्रीवास्तव जी, साकेत श्रीवास्तव जी, अखिलेंदु श्रीवास्तव जी, और ऐसे ही मोटा मोटी सर खर्च कितना हो गया होगा? खर्च इसमें 30 लाख तक खर्च होने की संभावना है, लेकिन और आगे निकल जाएगा संख्या को देखते हुए। धर्म महासम्मेलन के उपलक्ष्य में हम एकत्रित हुए हैं, भारत वर्ष से लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नेपाल से आए हैं, प्लस अब्रॉड से भी कुछ हमारे साधकगण लोग आए हैं। यहाँ तक यहाँ ये आज प्रोग्राम का ये उद्देश्य है कि इस धरती पर हमारे श्रद्धे गोरखनाथ की धरती पर आध्यात्मिकता का प्रचार करने के लिए आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आध्यात्मिक पुरुष बने, नैतिकवान बने और समाज निर्माण करें। हम लोग व्यक्ति से लेकर समाज का निर्माण करने के लिए, हम ये संदेश देने के लिए आनंद मार्ग का जो मुख्य उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, उसको लेकर हम लोग उसका उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, जनमानस तक पहुँचाने के लिए हम लोग आज इस धरती पर आए हैं। हमारे जो संगठन के जो प्रमुख हैं, जिनका नाम आचार्य विश्व देवानंद अवधूत पुरोधा प्रमुख आनंद मार्ग प्रचारक है, वो प्रवचन सुबह का प्रवचन दिए और उसमें भक्ति का संदेश प्रवाहित किए। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम 2 दिन तक चलेगा, आज और कल, मतलब 12 और 13 को, फिर उसके बाद लोग सब अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँच जाएंगे। हम लोग पूरे दुनिया में सेवा और साधना का ये संदेश देते हैं, सेवा के माध्यम से हम लोग अनाथ आश्रम में, फिर उसके बाद ये रिलीफ है, बाढ़ है, भूकंप है, ये मेडिकल कैंप है, ये सब हम लोग और आत्मोक्ष के लिए हम लोग राजाधिराज योग की साधना करते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम पहलू है और ये सबके लिए खुला है, जो जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि ये संपूर्ण मानवता के लिए, जो मानव का शरीर लिए है इसके पालने का अधिकार है। इसके लिए हजारों हजार सन्यासी इस आनंद मार्ग में इसका उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सिखाते हैं। इसलिए हम गोरखपुर वासियों को आमंत्रित करते हैं, ये ध्यान से आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बस।
पब्लिक प्रेयर के बाद एक चूल्हा एक चौका, एक चूल्हा एक चौका।